आईएएस क्लास 12th बायोलॉजी के पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन बताया गया है, दूसरे स्थान पर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है, थर्ड स्थान पर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, वहीं पर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर को फोर्थ स्थान पर रखा गया है और बायोटेक्नोलॉजी जिसको फिफ्थ स्थान पर रखा गया है। और इसी के हिसाब से सीआईएससी ने 2023 में क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। तो आप क्या देखेंगे, सबसे बड़ी बात है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपको एसटीडी देख लेने हैं, एमटीपी देख लेने हैं, आईवीएफ देख लेने हैं, जेडआईएफटी और जीआईएफटी को देख लेने हैं, आरसीएच के अलावा आप आईसीएसआई, स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा तो माफ कीजिएगा, बायोलॉजी में ऐसा होता है, और उसके बाद मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वर्क को अच्छी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि इसके डायफ्राम है या गैमेटिक्स सेपरेशन है या सर्पिमेंटेशन जो भी है। उसके अलावे जो टॉपिक मुझे बताए गए कि पॉलन सेल्स हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि आप एड्स संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अलावा पॉलन पिस्टल्स इंटरैक्शन को गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आईएससी 2023 बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन से इतने पार्ट आने हैं, वहीं पर जेनेटिक्स में एवोल्यूशन ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल को 2022 में पूछा गया था, लेकिन स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट एंड मेसेल्स एक्सपेरिमेंट को पूछने की बात करता है, हर्षे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट को भी आप अच्छी तरह से देख लेंगे, आरएनए डीएनए वाले पार्ट तो आपको देखने ही देखने हैं, इसके साथ ब्लड ग्रुप, फिर मल्टी फंक्शनल या मल्टीपल एलर्जीज को लेकर एक डिजीज पर क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल कहा जाता है कि यह स्किन कलर डिजीज जिसको हम लोग कुछ ऐसा टर्म बताया था हमको भूल गए हैं और उन्होंने बताया उसको मैं लिखा हुआ था आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, एवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंतर्गत वेवर्ग प्रिंसिपल और एडेप्टेशन के साथ रेडिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन को समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी एंड वेलफेयर में पैथोजन एचआईवी एड्स के अलावे प्लेग जैसे डिजीज को प्लास्मोडियम वाले पार्ट को भी देख लेने, जैसे को एमेबियोसिस और प्लास्मोडियम करके उन्होंने लिखवाया है, तो यहाँ पर कैंसर के कॉज के बारे में पढ़ना, इस बार डिजीज को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि 2022 में इसी तरह के क्वेश्चन कहे गए थे और बताए गए हैं कि डार्विनिज्म में सैलियंट फीचर्स जो होते हैं या फिर डार्विनिज्म में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, इस पॉइंट को आप देख लेंगे, मैं पॉइंट सिर्फ बता रहा हूं, मैं पूरा सिलेबस तो कवर कभी नहीं होगा अब दो दिनों में, लेकिन जो पॉइंट्स मुझे एनालिसिस करके बताया गया और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि आपको बोनस टिप्स देने जा रहा हूं जो मुझे पता चले, इसके लिए माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंतर्गत आपको देख लेने हैं कि एग्रीकल्चर फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जिसमें आरएनए एंड बीटी क्रॉप्स को देख लेने हैं, जैसे पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स भी कहते हैं, इसके अलावे एससीआईडी और उसके बाद मॉलिक्यूल डायग्नोसिस बाय पीसीआरईएलआई जैसे एल्सा है और डीएनए और आरएनए प्रोब के थ्रू देख लेने हैं, ये जो पार्ट मैं बता रहा हूं उसी को अब के समय में आपके बचे हुए हैं तो उसको देख लीजिए, फिर साइक्लोप्रोटीन और साइक्लोपोरिन ए के साथ साथ आप देख लेंगे कि माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये पॉइंट्स आपको देखने ही देखने होंगे क्योंकि यहां पर ये सारे पॉइंट्स हैं, लैक्टोबैसिलस वाला देख लेते हैं, कर्ड वाला ठीक है लेकिन वो प्राइमरी स्टेज में था, फिर एक स्पेलिंग आ रहा था सैसा माइसर्स ब्रीड ब्रेड को लेकर, तो वो वाला भी आप देख लेंगे, यहाँ पर मैं प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग करता हूँ, मैं बायोलॉजी का टीचर हूं नहीं और बायोलॉजी का प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट होता है, पॉइंट से क्योंकि मैं आपके टाइम को ज्यादा नहीं लूंगा और आपको कम समय में पूरी बात को बता देना है, यहाँ पर पॉल्यूशन पॉपुलेशन इंटरैक्शन डेफिनेशन के साथ मैकेनिज्म देख लेंगे और इसी के साथ
कैरिंग कैपेसिटी, वेज टू मीन्स मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के अंतर्गत ये पॉइंट्स इस बार 2023 में काफी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। 2023 में ही इनरोल हिंद और कहता है कि रोल ऑफ लिगेसेस LIGAC स्पेलिंग नहीं है इसलिए मैंने पहले कह दिया है, फिर PBR323 को आप देख लेंगे। यहां पर कहा गया है इस बार बायोलॉजी के क्वेश्चन को आसान रखने का पूरा प्रयास है, लेकिन फिर भी जो जानकारियां मिली प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन और इंक्लूजन दोनों देख लेंगे, एक्सक्लूजन वाले पार्ट देख लेंगे आपके फिनिश हो जाएंगे। फिर GPP NPP यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अलावा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देख लेना है। डिफिनेशन ऑफ PAR 10% लॉ ये पॉइंट्स इस बार आप काफी अच्छे हैं, और जब आप इतने पॉइंट्स को देख लेते हैं तो कुछ और टॉपिक को नोट कर लीजिए यदि आपके पास टाइम मिलता है तो, क्योंकि आपके चार सेक्शन में बटे हुए इस क्वेश्चन पेपर को 70 मार्क्स रखा गया है और 3 hours 15 minutes से फर्स्ट सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर वन वर्ड के आंसर लिखने होंगे या वन लाइनर भी हो सकते हैं। कंसंट्रेट करना है कि वन लाइनर होंगे आप वन लाइन में लिखेंगे, जैसे कि बायोरिएक्टर के टाइप के बारे में आपको लिख देना है, ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन मेंशन करने के लिए आ सकता है, या फिर आपको हो सकता है कि वीमेन के बारे में आता है कि जेनेटिक्स के डिस्क्रिप्शन करने के आ जाएगा, फिर डीएनओ का साइटोसाइन है या फिर डीएनए हैज 80% थायमिन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। तो वुमन के जो विजन है और नॉर्मल फादर का जो कलर ब्लाइंड है, इस पर अगर कोई बच्चा पैदा रहता है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को सर ने बताया कि आपको बता दें इस तरह का। फिर रेमर्स साइट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर एक क्वेश्चन रहने की इस बार उम्मीद बताई जाती है। यहाँ पर आपको ICSE 2023 के बायोलॉजी में सर्सन एंड रीजन के क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। तो बायोगैस हो गया, बायो प्लांट हो गया, और बायोथर्मल से आप देख लेंगे आपके चैप्टर के पार्ट है, रिप्रोडक्शन से भी एक क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि MCQs के साथ साथ सब्जेक्टिव को इन पॉइंट्स के आधार पर कवर कर लेंगे, वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर एस कोहेन का जो कंट्रीब्यूशन है, या एच बोयर का है, या फिर डार्विन का है, या इससे पहले मैंने 2-3 साइंटिस्ट का नाम लिया है, आप उनको देख लेंगे। फिर ICSI, IUCD जो भी है इसका डिटेल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी, मेल्स और फीमेल्स देख के चल जाने हैं। फिर रिप्रोडक्शन और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को लेकर किस तरह से वर्क हो रहा है गवर्नमेंट और सोसाइटी में, यह एनालिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर जिस तरह से रिसेसिव डोमिनेंट होते हैं या फिर सेक्स लिंक्ड विथ होता है ऑटोसोमल, उस पॉइंट्स को आप कवर कर लेने हैं, उसको छोड़ने नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन बॉडी सेल और कैंसर सेल के बीच में क्या आ सकता है, या फिर नॉर्मल सेल और मतलब कि कहने का मतलब है कि नॉर्मल सेल और डिजीज सेल, तो वहां पर वो भी देख लेने हैं। फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और उसके NPP पर क्वेश्चन रहने के उम्मीद बहुत ज्यादा बताए गए हैं, तो इन सब आप देख लेंगे। फिर लेबल डायग्राम की बात कर लेते हैं, माइक्रोस्कोप आ सकता है, ह्यूमन जेनियल्स आ सकता है, विमेन का जेनियल्स आ सकता है, तो वहां पर आपको अच्छी तरह से देने एक डायग्राम जो दे दिया जाएगा उसको लेबल करने के लिए आएगा, तो अच्छी तरह से वहां पर लेबलिंग करेंगे, गड़बड़ लेबलिंग गड़बड़ मार्क्स। फिर बैक्टीरियल कल्चर पर आ जाएगा, फिर आपके पास कॉलोनियल डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियल कल्चर है या पर्टिकुलर सिचुएशन में बैक्टीरिया का डेवलपमेंट है, फिर बायो कंट्रोल पर भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। कुल मिला के जो क्वेश्चन हो गए वो अल्कोहलिक ड्रिंक क्यों हार्मफुल है, इसी तरह से आपके सिचुएशन एंड वेरिएशन पर आधारित बिग ट्रीज है या फॉरेस्ट है जहाँ पर बर्ड बहुत अच्छे से अपनी ब्रीडिंग कर पाते हैं, तो आपको एक पिरामिड बनाना है ह्यूमन साइकिल के, रिप्रोडक्शन क्या इकोलॉजी में आपके बर्ड इवोल्यूशन को लेकर उनका ग्रोथ होता है, इससे आपके क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन एक या दो आएंगे ही आएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी को गो थ्रू कर लेने हैं, और इसके बाद जो आपके बचते हैं कि
एक क्वेश्चन जो बताया गया मुझे कि आपके स्पेसमेन पेपर में भी है रिबर पॉपर हाइपोथेसिस, तो उसको भी आप देख लेंगे। फिर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लेने हैं, क्योंकि स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप पर क्वेश्चन इस बार रहने की उम्मीद बताई गई है आईएससी 2023 बायोलॉजी के लिए। तो इतनी मुझे जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जो बहुत काम के, और इसके लिए काफी पूछने पड़ते हैं, बहुत सारे दरवाजे पर नॉक नॉक करना पड़ता है, बहुत सारे टीचरों को गिड़गिड़ाना पड़ता है, नहीं तो लिटरली वीडियो मुझे कैसे पता चलेगा इस सारे टॉपिक्स। तो इस बातों को याद रखना है, और इस मेहनत के लिए आप के लिए एक लाइक और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने की मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। लास्ट में थैंक यू, बाय।